पहली बार होयागा पंजाब दे अंदर के नौजवान जेडे कंट्रैक्ट दे उत्ते लंबे अरसे तो काम कर रहे सीगे जिन्हां दी जॉब कच्चे रखे गए सीगे जिन्हां नूं 15 साल 20 साल 18 साल हो चुके सीगे वो कच्चे सी उन्हां नूं पक्के करन दी प्रक्रिया पहले साल दे 3 महीनों दौरान शुरू हुई आ। ये बहुत बड़ा इतिहासक फैसला गा। नहीं की होया अकाली दल बीजेपी की सरकार से जो पंजाब कीता तो उस समय की होया 2021-22 की जो इलेक्शन फरवरी दे विच ड्यू सी और चंद दिन पहला उन्होंने भी कच्चे मुलाजमान पक्के करने की प्रक्रिया शुरू की, वह भी मानजोग गवर्नर साहब के कोले पेंडिंग पई आ। मैं तां दस रहा ये गल ये एविडेंस है सबूत आ कि वह सरकार 4.5 साल या जो 3 महीने जा देखदियां सी कोड ऑफ कंडक्ट कदों लगेगा उस तो पहला काम करांगे। वो लगातार सुतियां रहिंदियां सीगियां। जे असी उन्हां दी तरह कांग्रेसियों की तरह या अकालियों की तरह करते तो असी भी जाके 4 सालों बाद पॉलिसी लियांदे, वो पॉलिसी फिर हाई कोर्ट के अधीन या किसी होर कानून के करके या किसी होर अड़चन के करके वो पॉलिसी फस जाती। पर लेकिन असी ईमानदारी दे नाल नेक नीति दे नाल सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देशों के तहत वो पॉलिसी लैके या साडे नौजवान जिहड़े ने गे वो लगातार उन्होंने पक्के करन की प्रक्रिया पहले साल ही जिहड़ी आ वो शुरू हो चुकी है। पहले साल ही मेरे याद आ कि दूजी पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही लगभग 26,554 नौकरियों का इश्तहार जिहड़ा वो पहली मीटिंग जारी होया। नहीं वह भी तुसी कढ़ा के देख लो, सारे तुसी जर्नलिस्ट हो, सारे तुसी तुहाडा वड्डा तजर्बा गा, तुसी बहुत लंबा अरसा वख-वख सरकारां नूं कवर कीता गा। वह भी की हुंदा सीगा कि वह भी 4.5 सालों बाद जदों थोड़ा समा रह जांदा सीगा फिर पुलिस डिपार्टमेंट की एडवरटाइजमेंट आ गई, कदे किसी होर डिपार्टमेंट की एडवरटाइजमेंट आ गई। असी वह भी इतिहासक फैसला जिहड़ा गा वह पहले 3 महीनों के दौरान लिया गया, 26,000 तो उपर नौकरियों का जिहड़ा इश्तहार जारी किया। अज पंजाब दे अंदर लगभग 27,000 तो उपर 27,000 तो नहीं 28,000 समथिंग 28,000 तो उपर जिहड़े नौकरियों के नौकरी नियुक्ति पत्र जिन्हें वो साडे नौजवान जारी हो चुके ने। यह भी इतिहासक फैसला पहली बार होया गा कि जिन्हें वादे किए ने गरंटियां रूप च किए सी वो एक एक करके सारे वादे और गरंटियां जड़ियां ने गियां असलियत दे विच पंजाब च लागू हो रही ने गियां। बड़ा इतिहासक गल सी, लोग कह रहे सीगे कि पंजाब दे अंदर 300 यूनिट तुसी फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर नूं किवें देवोगे, ये बार बार चैलेंज आ रहा सीगा। बहुत सारे सज्जन बहुत सारे ईमानदार लोग पुछदे सीगे किवें करोगे। बिल्कुल इतिहासक फैसला सी पंजाब दे अंदर लागू किया और अज मैं समझदा 90% लोगों के घर का बिल पंजाब दे अंदर 90% घर का घरेलू बिल वो पंजाब जीरो आ रहा। और यह नहीं हैगा कि असी पावर कॉम नूं छड़ता नाल दा दूजा क्वेश्चन तुहाडा आ सकता गा, मैं हुण ही कंप्लीट कर रहा कि यह नहीं हैगा कि पावर कॉम का कोई बकाया इस साल का सरकार दे अगेंस्ट पिया होवे। 20,000 करोड़ की सबसिडी 20,000 करोड़ की सबसिडी विद इन ए ईयर इस साल दौरान असी पावर कॉम की वापस दिती है, ये बहुत बड़ी गल आ। नहीं पहला मैं अज भी मैं देखदा क्योंकि बतौर जदों मैं खजाना मंत्री इस गल नूं चैक करदा गा कि उस समय किस तरह पंजाब के खजाने नूं चलाया जांदा सीगा। इस तरह साडा एक बहुत बड़ा फैसला सीगा, साडी गरंटी सी असी पठानकोट दित्ती सीगी कि जेकर साडा कोई पंजाब का नौजवान सरहद दे उत्ते या पंजाब की राखी करदा देश की राखी करदा अपना शहादत का जाम पी जांदा गा तो असी उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया सन्मान राशि देवांगे। तो फैसला पंजाब के अंदर पहले 3 महीनों आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू किया, ये भी एक इतिहासक कदम आ पंजाब के अंदर। और इस तो बिना पंजाब के अंदर साड़ी एक बहुत बड़ी गरंटी सीगी कि असी अच्छी तमील अच्छी एजुकेशन अच्छी विद्या साढ़े बच्चों देवे तो वह साडा काम पहले साल ही शुरू होया। मेरे याद आ कि पहले साल असी लगभग 17% तो वध बजट का एक चौखा वाधा जिहड़ा एजुकेशन के बजट के अंदर किया और स्कूल ऑफ एमिनेंस की जिहड़ी आ वो नींह रखी पंजाब के अंदर। जिहड़े साडे टीचर सीगे जदों जाके हायर ट्रेनिंग लैके बाहरों आउणगे तो उहदे नाल मैं समझदा आने वाले समय के दौरान पंजाब के नौजवान ने जिहड़े मैं देखता हुंदा गा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर UPSC के अंदर PPSC के अंदर कई लोग कह रहे कि PPSC अंदर भी जी बाहरले सूबे तो लोग आ गए, क्यों आ रहे हैं कि कितना कितने साड़ी एजुकेशन से बहुत बड़ा खलाब पैदा हो गया सीगा। सानू माण होगा कि साडे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे भी UPSC जाके IAS बन गए IPS बन गए IRS बन गए जज बन गए वकील बन गए डॉक्टर बन गए। प्रक्रिया सरकारी स्कूलों की लगभग
काफ़ी लो चली गई सी, असीं उसनूं हाई लैवल से लैके जाण दा साडा जिहड़ा टीचर गा तां हो सकदा जेकर असीं असीं आपदे टीचर साहिबां नूं अच्छा एक एटमोसफीयर देवांगे, अच्छा माहौल देवांगे और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा है वनू अच्छा करा। इस तो बिना एक होर साड़ी बड़ी गरंटी सी पंजाब के लोगों कि असी महला क्लीनिक जोड़े ने खोलेंगे, महला क्लीनिक खोल के जड़िया बेसिक छोटिया छोटिया बीमारिया ने गिया चाहे वह बड़िया बीमारिया ने गिया उन्होंने इलाज जोड़ा है तो महलिया के नज़दीक होगा। सो बिल्कुल पहले साल असी खोलने शुरू किए ने 500 तो उपर दी जड़ी असी संख्या उपार की आ। मैं तां कह रहा कि जिन्नियां साड़ियां गरंटियां सी बहुत सारिया गरंटियां सी पूरियां कीतियां नेगियां और बहुत सारिया गरंटियां जिन्हां दा समां लंबा लग सकता पीरियड लंबा लग सकता उन्हां ते असी अपना काम करना शुरू कर दिता गा। सो इस तो बिना बहुत सारे होर वादे सीगे कि एक एम एल ए पेनशन तुहानू याद हो सारिआं नू, इह एम एल ए जिहड़ा 5 बार रहा सी ओह 5 पेनशनां लैंदा सीगा, जिहड़ा 6 बार रहा ओह 6 पेनशनां लैंदा सीगा, ओह सारा कट के एक एम एल ए एक पेनशन चाहे एक बार जिते चाहे वह 8 बार जिते चाहे 7 बार जिते उन्हें एक पेनशन मिलेगी। ये वादा असी पूरा की 90,000 हैक्टेयर तो उपर जी जमीन आ जी कुछ रसूखदार लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने सरकारी जमीन नपी हुई सी दबी हुई सी वो जमीन जी छुड़ाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बिल्कुल एक इंच सरकार का जे किसी ने भी दबिया वो छुड़ा के जोड़ा कि सरकार को आऊगा और रेवेन्यू जोड़ा गा वो पंजाब के खजाने आऊगा। पंजाब के भ्रिष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ जी आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्टार्ट की है। बहुत सारे भ्रिष्टाचारी अज सलाखों के पिछे ने, बहुत सारे भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ लगातार जांच जी हो रही आ, क्योंकि साडा मनना गा कि जब तक पंजाब में भ्रिष्टाचार नहीं खत्म हो सकता पंजाब तरक्की नहीं कर सकता। सो बिल्कुल भ्रिष्टाचार को जड़ तो खत्म करांगे। एक भ्रिष्टाचारी जेकर साडे वाला भी करेगा तो वह भी जेल जाऊगा, जे किसी होर ने किया चाहे ब्यूरोक्रेट आ चाहे कोई पॉलिटिशियन आ जिन्हें पंजाब का तुहाडा टैक्सपेयर का पंजाब के ईमानदार लोगों का पैसा खादा गा वह जेल जाऊगा, क्योंकि ईमानदारी का पैसा होंगे गा। बहुत सारे लोग कई बार टैक्सपेयर अदरवाइज देखते हैं। मैं कहना जोड़ा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आ वो लगातार अपना जॉब करके लगातार अपना बिजनेस करके ईमानदारी अपने पैसे कमा के टैक्स के रूप दिता गा वो सारा पैसा खजाने चाहता गा वो सब तो ईमानदारी का पैसा होंगे। जोड़ा ईमानदारी का पैसा गा जोड़ा टैक्सपेयर का पैसा गा जोड़ा भी उन्होंने खाऊगा जिन्हें भी खादा गा तो वो खिलाफ साड़ी एक मुहिम भ्रिष्टाचार के खिलाफ साड़ी वो सिखरां ते आ। बहुत सारे व्यक्ति जोड़े ने लगातार जोड़े ने वो जेलों जा रहे हैं कि भ्रिष्टाचारों के खिलाफ भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ जी मुहिम जी इस तरह वो जारी रहेगी।